हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पावर बिल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बारे में बात की थी और जाना था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मतलब कि पार्ट टू इलेक्ट्रिक सेल का, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे क्या जो इलेक्ट्रिक सेल के क्या टाइप्स होते हैं, कैपेसिटी क्या होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कैपेसिटी, इफिशेंसी क्या होती है एक सेल की। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है एक सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अलग अलग जो बैटरी जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो जानेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट वन जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए आज हम इन सब इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इन सारे टर्म से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एसएससी जेई के यूपीपीसीएल किसी भी एग्जाम के अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इनके सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डीजल पावर प्लांट्स आर यूज्ड एज, जो डीजल पावर प्लांट होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, एज द बेस लोड, एज द पीक लोड, स्टैंड बाई या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन कौन इसका सही आंसर देता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आंसर करेक्ट आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं, तो सेल क्या होता है। सेल एक बॉक्स है, सेल एक बॉक्स होता है, मतलब एक बॉक्स में दो प्लेटें लगी होती हैं और एक सॉल्यूशन में वो इमर्ज रहती हैं या डिप्ड रहती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हम उसमें डीसी सप्लाई अप्लाई कर देते हैं, और ये बात आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, केवल डीसी पे काम करता है, ये एसी पे काम नहीं करता। ठीक है, तो जब हम डीसी अप्लाई कर देते हैं तो उसमें चार्ज, वो जो प्लेट्स होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, फिर हम उनको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स हैं। अब किस तरह से चार्ज दिया गया है, या हम कह सकते हैं डीसी सप्लाई का कौन सा टर्मिनल उस पर दिया गया, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि टर्मिनल कौन सा है या फिर इलेक्ट्रोड कौन सा है। ठीक है, तो मतलब एक बॉक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स इमर्ज कर देते हैं और इसमें एक सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन ही है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये जो प्लेट्स होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहां पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं डीसी। ठीक है, तो ये ऊपर दिख रहा है नहीं, डीसी अप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है एक सेल। और एक बात और, ये जो बॉक्स होता है या जो कंटेनर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं सेल की प्रोसेस होती है क्योंकि सेल के अंदर ही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो जिस कंटेनर में ये प्रोसेस होती है उस कंटेनर को कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टमीटर मत लिख देना, वोल्टामीटर कहते हैं, वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर करता है। बट वोल्टामीटर क्या होता है, द कंटेनर इन विच द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डन। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, आ सकता है सिर्फ क्वेश्चन। तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं सेल, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, और प्राइमरी सेल क्या होता है ये भी बताया था कि जिन सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, और जिसमें रिवर्सिबल होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। मतलब क्या है कि मतलब वो सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, एक बार चार्ज करने के बाद जिनको फेंकना नहीं है, ठीक है, तो वो तो कहते हैं सेकेंडरी सेल, और जिनको फेंकना पड़ता है मतलब वो सिर्फ एक बार चार्ज किए जा सकते हैं उनको कहते हैं हम प्राइमरी सेल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे, वो एग्जांपल क्या क्या थे, एक तो डेनियल सेल था, डेनियल सेल, ड्राई सेल था,
ट्राइसेल जैसे आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी, जैसे एक टॉर्च है ठीक है, और वॉच है, जो वॉच होती है रिस्ट वॉच होती है या क्लॉक जो होती है, उसमें भी सेल ड्राई सेल लगाते हैं ठीक है, लेग लांचे सेल। ठीक है, और एक सेल क्यों कौन सा होता है, जैसे हाँ वोल्टाइक सेल होता है ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब जो हम बात करेंगे इसमें ठीक है। तो एक होता है सबसे कौन सा, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, और दूसरा एक क्या होता है, एल्काली एकम्युलेटर, या फिर इसी का एक और नेम होता है जो आप लोगों ने सुना होगा, ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना सुना हो, वो नाम होता है एडिसन सेल, एडिसन सेल ठीक है। तो ये है मेन, इनको हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, इनके ये नेम आ सकते हैं ठीक है, तो वो आप लोग को लिखा दिए हैं, और बस यही होता है कि रिवर्सिबल नहीं होता, ये सब आप लिख देना। सेकेंडरी सेल ये मेन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है, एक एक करके दोनों को जानेंगे, लेड एसिड सेल और एडिसन सेल के बारे में ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेड एसिड सेल की ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा दे रहा हूं आपको ठीक है, वो समझ लेना। सबसे पहला तो ये है कि ये मोस्ट इनएक्सपेंसिव सेकेंडरी सेल होती है, मतलब कि बहुत सस्ती होती है और सेल के कंपैरिजन में, द मोस्ट इनएक्सपेंसिव सेकेंडरी सेल इन द सेकेंडरी, वो सॉरी इज द लेड एसिड सेल। कहाँ पे यूज होती है, कार वगैरह में यूज होती है, यूज इन द कार। अब ये सेल तो जानते होंगे ठीक है, मतलब कार में बैटरी यूज होती है, और बैटरी आप लोगों को पता है कार इससे ही बनती है सेल से। अब हम कह सकते हैं उसको जैसे टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सेल यूज द मल्टीप्लेट कंस्ट्रक्शन, और मल्टीप्लेट कंस्ट्रक्शन यूज करने का मतलब ही है कि सेल को बैटरी बनाना ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सेल यूज मल्टीप्लेट कंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लेट कंस्ट्रक्शन ठीक है ना। अब एक चीज बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जो लेड एसिड सेल में जो प्लेट्स होती हैं वो हमेशा ही ऑड नंबर की होती हैं ठीक है, तो प्लेट्स ऑड नंबर की होती हैं। नंबर कैसे होता है, एग्जांपल जैसे कि 11 होंगी, 13 होंगी, 15 होंगी, या फिर 17 होंगी, और जो एक्स्ट्रा प्लेट होती है, अब जो एक्स्ट्रा हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ तो पेयर होगा और एक प्लेट एक्स्ट्रा होगी, तो वो याद रखना हमेशा नेगेटिव प्लेट एक्स्ट्रा होती है ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज वन ग्रेटर देन, मतलब वन ग्रेट हो ग्रेटर देन पॉजिटिव प्लेट ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, और कितने मतलब केवल वन होता है, वन नंबर ज्यादा होता है ठीक है। तो ये था लेड एसिड सेल के बारे में, इतना आप लोग लिख लीजिए ठीक है। अब एक फोर्थ पॉइंट बताते हैं लेड एसिड सेल के बारे में ही है, वो क्या है, जो आउटसाइड प्लेट होती है, मतलब कि जैसे ये कंटेनर हो गया अपना है ना, तो ये प्लेट हम मैं फाइव प्लेट ले रहा हूँ मान लो ठीक है, एक प्लेट और ये फोर हो गए, ये फाइव, तो ये वाली होगी नेगेटिव प्लेट और ये वाली होगी नेगेटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी ठीक है। तो देखो
1, 2, 3 हो गई नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो गई, तो एक नंबर ज़्यादा भी हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आउटर साइड वाली प्लेट्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो बस, और जो कैपेसिटी होती है सेल की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, प्लेट एरिया पे। बाकी कैपेसिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। तो चलिए, ये था लेड एसिड सेल के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो चलो, कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी सेल, कैपेसिटी क्या होती है सेकेंडरी सेल की, तो वो समझिए। द कैपेसिटी ऑफ द सेल इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की विच इट कैन गिव आउट ड्यूरिंग सिंगल डिस्चार्ज अंटिल इट्स टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स टू 1.8 वोल्टेज। तो मतलब क्या है कि जब ये डिस्चार्ज होती है बैटरी या सेल, ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज होता है, उसका जो ईएमएफ होता है, वो कितना, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो 1.8 वोल्ट रह जाता है, ठीक है। ये होती है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी का एक्चुअल में मतलब ये है कि कैपेसिटी क्या है कि कोई भी जो सेल है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाए, मतलब सब खत्म होके 1.8 वोल्टेज रह जाए उसका टर्मिनल वोल्टेज, तो हम कहते हैं कि ये उसकी कैपेसिटी है। इसकी इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप जानिए क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द सेल का फॉर्मूला आईडी इनटू टीडी, ठीक है, और एएच, ये होता है कैपेसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है, ये डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है, और ये क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर आर, एम्पियर आई से एम्पियर हो जाएगा और टाइम जो है उसको आर्स में लेते हैं, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी की यूनिट बनती है वो क्या है, एम्पियर आर है, ठीक है, तो याद रखना। अब कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी बैटरी की कैपेसिटी है कितनी, मान लो 120 AH, मान लो 120 AH है। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है वो एक एम्पियर का जो करंट है वो 120 आर्स तक फ्लो करा सकता है। अब अगर हमें मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो 60 आर्स तक फ्लो करा सकता है। अगर हमें मान लो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है तो 40 आर्स तक फ्लो करा सकता है वो सेल, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी डिवाइड होती है, या हम कह सकते हैं इस तरह से इसका डिस्चार्जिंग करंट काम करता है टाइम के साथ में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैपेसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला ये है। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि टाइम मतलब ये दे रखा है ना, और ये दे रखा है डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग टाइम, तो आप कैपेसिटी डायरेक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटी के जो कैपेसिटी होती है सेल की वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो मैं वो आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर ये बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज पे कैसे फर्क पड़ता है। अगर मान लो हायर है रेट ऑफ डिस्चार्ज, अगर हायर है तो कैपेसिटी उसकी लेस हो जाएगी, ठीक है, तो याद रखना हायर है ना, हायर रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, तो यानी कि लेस कैपेसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर,
ठीक है, दो फैक्टर हो गए कि कैपेसिटी ऑफ द सेल किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो रेट ऑफ द डिस्चार्ज, अगर रेट ऑफ द डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी लेस हो जाएगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी दो पॉइंट और हैं जिनमें से एक तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो क्या था, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स क्या होता है कि जो जैसे ये जो प्लेट्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, तो एरिया कितना ज्यादा है तो उस पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एरिया होगा मतलब कि इंक्रीज होती है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो इंक्रीजेस द कैपेसिटी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये मैंने अभी बताया था। और चौथा पॉइंट है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैसे फर्क पड़ता है वो बताते हैं, कैसे डिपेंड करता है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं मतलब उसमें भरते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो मतलब कि उस सेल की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम सेल को यूज करते हैं ना तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम होने लगती है, मतलब कि अब वो सेल कम देर तक काम करेगा। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी ये किसकी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब कि कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये बात याद रखना। तो ये हो गई कैपेसिटी ऑफ द सेल, चार पॉइंट बताए हैं किन चीजों किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला भी बता दिया है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं इफिशियंसी की, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी क्या होती है सेकेंडरी सेल की, इफिशियंसी ऑफ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में सारे पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल के बारे में ज़्यादा हमने डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। इफिशियंसी क्या होती है सेकेंडरी सेल की, पहले तो बता दें दो तरीके होते हैं सेल की इफिशियंसी निकालने के, पहला क्या है, एम्पियर आर इफिशियंसी, एम्पियर आर एफिशिएंसी, और बी क्या है, व्हाट आर एफिशिएंसी। दो तरीके हैं इसकी एफिशिएंसी को जानने का, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एम्पियर आर एफिशिएंसी की। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। ये क्या है, देखो एम्पियर में डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। एम्पियर आर एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, एम्पियर आर्स प्रोवाइडेड ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर आर ऑफ द चार्ज, एम्पियर आर्स ऑफ चार्ज मतलब एक तरह का आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया, ये डिस्चार्जिंग आउटपुट है, चार्जिंग इनपुट है, और इन 200 से कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये होती है एम्पियर आर एफिशिएंसी। इसको थोड़ा एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, IC into TC into 100। अब एम्पियर आर, एम्पियर आर मतलब की कैपेसिटी जिसके बारे में भी बात की थी वो क्या थी, ID into TD। ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम की थी तो ID into TD एम्पियर आर, और एम्पियर आर ऑफ द चार्ज, चार्जिंग पे क्या हो जाएगा, IC into TC मतलब की टाइम, एम्पियर का मतलब हो गया I, C मतलब चार्ज के लिए। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है, आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और इवन आता ही है तो आप डायरेक्टली इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ये इफिशिएंसी के बारे में, एम्पियर इफिशिएंसी के बारे में है, वो क्या है,
एम्पियर आर इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमें पता है कि जो एम्पियर आर होता है, एम्पियर आर ये क्या है, एक तरह की क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसीलिए हम इसको एम्पियर आर इफिशियंसी को और भी क्या कहते हैं, क्वांटिटी इफिशियंसी भी कहते हैं, ठीक है, तो एम्पियर आर इफिशियंसी ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाती है, क्वांटिटी इफिशियंसी, क्वांटिटी इफिशियंसी भी कहलाती है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एम्पियर आर इफिशियंसी के बारे में एक और पॉइंट है, वो क्या है कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी एम्पियर आर इफिशियंसी होती है 90%, याद रखिएगा, एम्पियर आर इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड सेल कितनी होती है, 90%, ठीक है, ये भी याद रखना। अब ये हो गई एम्पियर आर एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसके बारे में एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर एफिशिएंसी के बारे में, तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है और इसमें और उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्हाट आर एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट आर, इसका होता है एनर्जी गिवन ऑन द डिस्चार्ज अपॉन एनर्जी इनपुट ऑफ द चार्ज, ठीक है, तो एनर्जी गिवन ऑन डिस्चार्ज एनर्जी इनपुट ऑफ द चार्ज, एनर्जी इनपुट ऑफ चार्ज इनटू 100% के लिए, ये हो गया व्हाट आर एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी हम अगर जो डायरेक्ट करंट और टाइम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, बी इनटू आई डी और इनटू डीडी चार्ज के लिए हो गया, वो सॉरी टाइम हो गया, क्योंकि एम्पियर आर में ये किस में होती है, ये भी एम उसमें होती है एनर्जी में, ठीक है ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बीसी मतलब कि चार्जिंग वोल्टेज इनटू आईसी यानी कि चार्जिंग करंट और टीसी मतलब जो टाइम लगा है इनटू 100, ठीक है, तो ये हो गई व्हाट आर एफिशिएंसी। अब इसमें और एम्पियर आर एफिशिएंसी में फर्क क्या है वो जानिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, अब जैसे बीडी और आईडी क्या है, ये तो हो गया बॉट और ये क्या टाइम यानी कि ये हो गया आर, तो ये बॉट आर एफिशिएंसी हो गई और उसमें क्या था केवल आईडी इनटू टीडी मतलब कि एम्पियर आर एफिशिएंसी, ठीक है, तो बस ये, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझिए वो क्या है, जो वॉट आर एफिशिएंसी होती है वो एन ए एच इंटू बी डी अपॉन बी सी होती है, ठीक है, कैसे अभी बताया था, एन एच इक्वल टू क्या, रुको ऊपर से बताते हैं आपको, जैसे कि जो वॉट आर एफिशिएंसी होती है वो क्या थी, बी डी इंटू आई डी इंटू टी डी, ठीक है, अपॉन बी सी इंटू आई सी इंटू टी सी, और ये ही क्या होती है, ये होती है एम्पियर आर एफिशिएंसी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर आर इक्वल्स टू इंटू सॉरी इंटू बी डी अपॉन बी सी, ठीक है, अब बताओ कौन सी एफिशिएंसी ज़्यादा है, बताइए, अब आपको लग रहा होगा कि ये एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है, ये एफिशिएंसी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बी डी अपॉन बी सी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है, लेस देन वन क्यों होती है, क्योंकि जो बी डी होता है वो छोटा होता है, बी सी ज्यादा होता है, ठीक है, तो चलिए यहां इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बी डी होता है वो याद रखिएगा बी सी
होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट होता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का और पोलराइजेशन का, जिसकी वजह से जो चार्जिंग करंट होता है वो ज़्यादा होता है और डिस्चार्जिंग करंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जिसकी वजह से जो जो वॉट आर एफिशिएंसी होती है वो हमेशा लेस देन होती है एम्पियर आर एफिशिएंसी के, ठीक है। तो बस ये था। अब ये कितनी होती है लेड एसिड सेल के लिए, लेड एसिड सेल की वॉट आर एफिशिएंसी कितनी होती है 75%, ठीक है, और एम्पियर आर कितनी थी 90%, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों एफिशिएंसी के बारे में। और हाँ, अब इसका भी एक नाम होता होगा, वो नाम क्या होता है, जैसे उसका नाम था क्वांटिटी एफिशिएंसी एम्पियर आर एफिशिएंसी का, और इसका भी एक नाम क्या है एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम इसको और भी क्या कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि व्हाट आर एफिशिएंसी को और क्या कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी कुछ वो बताने हैं कि क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एफिशिएंसी पर, ठीक है। तो तब तक इतना नोट करिए। चलो तो अब हम जानते हैं जो फैक्टर हैं, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है सेल की एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज। ये तो आपको फॉर्मूला देख के ही समझ आ गया होगा कि हाँ भाई इन चीजों पे करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ द डिस्चार्ज एंड द कमिसमेंट ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ डिस्चार्ज एंड द कमिसमेंट ऑफ द चार्ज, ये तीन पॉइंट हो गए। एक फोर्थ पॉइंट क्या है, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये चार फैक्टर हैं जिस पे इफिशिएंसी डिपेंड करती है सेकेंडरी सेल की, ठीक है। तो चलिए अब हम चौथी बात करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है और किन चीजों पे डिपेंड करता है, बस इतना सा अभी हम जानेंगे। तो चलिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितनी चीज़ें होंगी क्लियर हो गई होंगी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सब कुछ पॉइंट जानना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो इन्हीं से आ जाता है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे बस यहीं तक क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज द मेड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स द एक्टिव मटेरियल एंड द इलेक्ट्रोलाइट, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, जो प्लेट्स का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, जो एक्टिव मटेरियल है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्टिव मटेरियल, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन सब चीजों का रेजिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है लेड एसिड सेल का, ठीक है। तो चलिए इसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है वो जानते हैं, टिपिकल वैल्यू,
वो होती है 0.01 ओम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेकेंडरी सेल का या लेड एसिड सेल का। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं वो जानते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए फैक्टर्स जानते हैं अब हम। फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, अब हमें पता है एरिया से कैसे डिपेंड करता है, वन अपॉन ए, बी स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, सी पॉइंट गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इस पे कैसे डिपेंड करती है, जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के। ठीक है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं एसिड सेल के। ठीक है, तो ये तो था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लेड एसिड सेल। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेल का, तो वो भी जान लीजिए, रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल का कितना होता है, प्राइमरी सेल 0.1 ओम होता है, और सेकेंडरी सेल का 0.01 ओम होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट आ जाता है कि सेकेंडरी सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक जो अपना तीसरा सेल का था एडिशन सेल, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं निकिल आयरन सेल, इसी को हम एडिशन सेल कहते हैं। ठीक है, निकिल आयरन, इसका नाम तो सुना होगा निकिल आयरन, हो सकता है एडिशन ना सुना हो या फिर एडिशन सेल। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको थॉमस एल्वा एडिसन ने फाउंड किया था, डेवलप किया था 1909 में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया एडिसन सेल। तो क्या लिखते हैं, डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। एक और पॉइंट, इसका जो बेड होता है वो लेसर होता है और लॉन्गर लाइफ होती है लेड एसिड सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो लेसर बेड और लॉन्गर लाइफ देन लेड एसिड सेल। और ये पोर्टेबल बर्क के लिए भी सुइटेबल होता है, सुइटेबल फॉर पोर्टेबल बर्क। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लेड एसिड सेल जो है पोर्टेबल बर्क के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है तो फैलने का डर रहता है, बाहर आने का डर रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका जो इंटरनल ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.36 वोल्ट ईएमएफ, और लेड एसिड सेल का कितना था, 1.8। ठीक है, इसका कितना है, 1.36 वोल्ट। तो यहां से हमें ये भी पता चल गया कि इसकी जो कैपेसिटी है वो भी उससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि डिस्चार्ज 1.36 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं हम, तब जाके ये करंट देना बंद करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि निकिल आयरन सेल जो है वो लेड एसिड सेल बैटरी, लेड एसिड सेल से भी थोड़ा बेटर है।
ठीक है। तो ये हैं निकल आयरन सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है, वो आप लोग जान लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। सबसे पहले बैटरी चार्जिंग सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। बैटरी चार्जिंग सर्किट होता कैसा है, मान लो ठीक है, ये है बैटरी चार्जिंग सर्किट। जो पॉजिटिव टर्मिनल है डीसी सोर्स का वो हमेशा पॉजिटिव बैटरी मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल दिया जाता है। ये है अपना वही रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ दिया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। और जो डीसी सोर्स का सॉरी यहाँ पे नेगेटिव सोर्स होगा, तो नेगेटिव सोर्स है वो नेगेटिव टर्मिनल पे दिया जाता है, ठीक है। चार्जिंग करंट क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्जिंग करंट क्या होता है। चार्जिंग करंट I इक्वल्स टू बी माइनस ई वी अपॉन आर प्लस आर। आर तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा चार्जिंग करंट का फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये क्या पता चलता है, चार्जिंग करंट जो है कांस्टेंट रखा जाता है बाय एडजस्टिंग द आर। ये जो आर है इसको एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जो चार्जिंग करंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, जिससे कि जब तक बैटरी फुल चार्ज हो नहीं जाए, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक वर्ड होता है सल्फेशन, ठीक है, ये सेल। तो सल्फेशन जानते हैं दोस्तों, सल्फेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सल्फेशन होता क्या है, जैसे जब हम बैटरी को बहुत दिनों तक ऐसे डिस्चार्ज छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और उसको चार्ज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से एक हार्ड लेड सल्फेट की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, लेड सल्फेट, ठीक है। उसकी जो कोटिंग होती है ना वो फॉर्म हो जाती है कहाँ पे, उसके प्लेट पे। तो उस प्लेट पे उसकी जब कोटिंग फॉर्म हो जाती है उसकी वजह से जो एक्टिव पार्ट है उस इलेक्ट्रोड्स का, जैसे दो प्लेटें हैं है ना, तो उनके ऊपर मान लो ये कवर्ड हो गया लेड सल्फेट से, तो एक्टिव पार्ट कितना रह गया ये, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी कम होने लगती है, ठीक है। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, सल्फेशन, सल्फेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी भी सेल या बैटरी को बहुत दिनों तक खाली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके कुछ जो इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ द प्रॉब्लम, तो सल्फेशन नहीं होना चाहिए। चलो एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक पॉइंट होता है देखो एफिशिएंसी ऑफ द प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल की एफिशिएंसी तो बता दी थी, प्राइमरी सेल की क्या होती है 70%, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है लेड एसिड सेल का, ठीक है, तो वो जो मेनली रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है। वैसे कुछ रेजिस्टेंस तो एक्टिव मटेरियल का है, मतलब जो इलेक्ट्रोड हैं जो प्लेट्स हैं उसका रेजिस्टेंस है, बट जो मेनली पार्ट का है, मेनली रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ का है, वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, मेनली ड्यू टू रेजिस्टेंस, मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो ये मैंने सारे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने बता दिया है आपको, इफिशियंसी के बारे में बता दिया, कैपेसिटी के बारे में बता दिया
है ना, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कैपेसिटी, और ईएमएफ भी बता दिया दोनों सेल का कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दिया, उनके फैक्टर्स भी बता दिए, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। बाकी कुछ नोट्स को मैं अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो कुछ और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बस यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और जो अपना क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि जो डीजल पावर प्लांट जो होते हैं वो किन चीज़ों में उनको कैसे यूज करते हैं, तो उसे हम यूज करते हैं स्टैंड बाई की तरह, वो सी पॉइंट था, ठीक है। उसका आंसर ये स्टैंड बाई, डीजल पावर प्लांट। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर मान लो स्टैंड बाई ऑप्शन में है ही नहीं, तब हम वहां पे लगाएंगे पीक लोड के लिए, ठीक है, तब वो पीक लोड एज अ आंसर होगा। लेकिन वैसे स्टैंड बाई के लिए यूज करते हैं। स्टैंड बाई का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि लाइक हम लोग कुछ मतलब काम हो रहा है और अचानक से कुछ अर्जेंट जरूरत पड़ जाए या थोड़ा सा मैक्सिमम डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाए, तब हम इसको यूज करते हैं डीजल पावर प्लांट को, ठीक है। तो चलो ये था पूरी कहानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।